नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक में। महज एक महीना रह गया है जनरल इलेक्शंस के लिए और इसी के साथ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ चुका है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के बावजूद उसका उल्लंघन हो रहा है। जिस तरह का प्रचार चल रहा है, जिस तरह के लोग आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहन के प्रचार कर रहे हैं और मोदी जी पर भी एक फिल्म आ रही है, ये सब क्या मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन में है? पर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या और उसका क्या मतलब है और किस तरह का प्रचार उसमें अलाउड है, यही सब चीजों पर चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों को ये सब एक्सप्लेन करने के लिए देखिए हमारा खास फीचर अजय कुमार की रिपोर्ट। किसी भी तरह के चुनाव कुछ नियमों में बंध कर लड़े जाते हैं और चुनाव अगर नियमों के भीतर रहते हुए लड़ा गया तो ही चुनाव का असल मकसद पूरा होता है। इसके बहुत सारे नियम हैं, जिसमें सबसे अहम नियम है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आदर्श आचार संहिता। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह का ऐसा दस्तावेज है जिस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति होती है। आम भाषा में कहें तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने बर्ताव पर खुद ही कंट्रोल करने की प्रतिबद्धता जाहिर करती हैं और समय समय पर खुद ही इसमें सुधार करती रहती हैं। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट समझने के लिए जरा इसे ऐसे सोचिए कि तब क्या होता जब सरकार की कुर्सी संभालने वाली पार्टी चुनाव के दौरान ही सारी योजनाओं को घोषित करने लगती और यह कहती कि सबका जनधन अकाउंट खुलेगा और अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। तब क्या होता? इन्हीं हथकंडों से बचने के लिए मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, यानी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के दौरान इस तरह से बर्ताव करे कि लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे। इस समय सरकार की बजाय नौकरशाही का प्रशासन सक्रिय हो जाता है, यानी जिलाधिकारी प्रशासन नियंत्रित करने की भूमिका में आ जाता है और सरकार की सारी भूमिकाएं शांत हो जाती हैं। लोगों को यह लगता है कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट केवल कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी पर लागू होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनावों के दौरान सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी, केंद्र सरकार के पैसे पर पूरी या आधी तरह से चल रही किसी भी तरह की कमीशन या कॉरपोरेशन पर यह काम करता है, यानी जल बोर्ड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सभी तरह की डेवलपमेंट अथॉरिटी पर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट काम करता है। केवल यहीं तक नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों पर भी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। तो सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टी इस दौरान क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस दौरान वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो जनता को फायदा पहुंचाने वाली कोई भी पॉलिसी या स्कीम लागू नहीं की जा सकती है, लेकिन बहुत अधिक जरूरी हो तो इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बाद कुछ किया जा सकता है। जैसे भयंकर बाढ़ आ गई हो तो सरकार मदद तभी करेगी जब इलेक्शन कमीशन इजाजत देगा। जाति और समुदाय के भावनाओं को आधार बनाकर कोई भी अपील नहीं की जा सकती है, यानी योगी जी, अमित शाह जी और ओवैसी जी के भाषणों को तनिक कान लगाकर सुनने की जरूरत है। ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी जिसका जुड़ाव पब्लिक लाइफ से ना हो, यानी प्राइवेट लाइफ से जुड़ी बातें कहना भी एक तरह से मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को खारिज करना है। इस लिहाज से मोदी जी के 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले वक्तव्य के बारे में सोचिएगा। किसी भी तरह की मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टी द्वारा नहीं किया जाएगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि इन पवित्र स्थलों पर जमा होने वाली भीड़ के सामने जाकर भाषणबाजी की जाए। चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे इसलिए पॉलिटिकल पार्टी और इनके दफ्तरों को संभालने वाले लोग बड़े अमाउंट वाले नकदी लेन देन करने की इजाजत नहीं होती है। केवल 20,000 से कम राशि की ही नकदी लेन देन की जा सकती है, लेकिन ऐसा होता है क्या? हमने तो गाड़ियों से भरी पैसों को चुनाव में पानी की तरह बहते देखा है। चुनाव के दौरान शराब बांटने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन भारत का ऐसा कोई चुनाव है जो बिना मद्यपान के पूरा हो सके? लाउडस्पीकर लगाकर चुनाव प्रचार करने की इजाजत इलाके से जुड़े इस काम के लिए निर्धारित सरकारी अफसर से लेनी पड़ती है और लाउडस्पीकर लगाकर चुनाव प्रचार करने की इजाजत केवल सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होती है। इसकी भी इजाजत नहीं होती है कि किसी पार्टी की सभा चल रही हो और उसे अपनी सभा बनाकर भाषणबाजी करने लगा जाए, या किसी दीवार पर किसी पार्टी का कैंडिडेट का पोस्टर या झंडा लगा हो उसे फाड़कर अपना पोस्टर या झंडा लगा दिया जाए। अब बात करते हैं क्या किया जा सकता है। लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे इसलिए जरूरी है कि मैदान और हेलीपैड बिना किसी पक्षपात को सबको मिलता रहे। ऐसा ना हो कि ममता दीदी बंगाल में घुसने से मना ही कर दे।
जमकर चुनाव प्रचार किया जा सकता है, लेकिन पार्टी की नीतियों, कामों और उसके पिछले किए गए कामों पर ही, न कि चुनावी प्रचार में यह कहा जाए कि हमने पाकिस्तान में घुसकर 400 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ऐसा कहना भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होगा। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा नहीं हो सकता कि जीना हराम कर दिया जाए, यानी ऐसा ना हो कि किसी सोसाइटी में बिना किसी अथॉरिटी के इजाजत के लाउडस्पीकर लगाकर बोलना शुरू कर दिया जाए। इसलिए लोकल पुलिस की इजाजत के बिना न ही भाषण की जगह मिल सकती है और न ही किसी जगह पर लाउडस्पीकर लगाकर भाषण दिया जा सकता है। कैंपेन पीरियड के खत्म होने पर वोटर, कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट के अलावा सभी को कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़नी पड़ती है। अब बात करते हैं कि विज्ञापन के बारे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है। यहीं पर सबसे भयंकर पैसा बहाया जाता है। सरकारी विज्ञापन इस मकसद से जारी किए जाने चाहिए कि जनता को सरकार की नीतियों, प्रोग्रामों और कामों का पता चले और उसे यह बात समझ में आए कि वह सरकारी नीतियों का फायदा कैसे उठाएगी। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जनता का पैसा यानी सरकारी पैसे पर सत्ता संभालने वाली पार्टी अपना जमकर मार्केटिंग करती है। कभी कभी तो अखबारों के आधे से अधिक पन्ने सरकार का भोंपू बनाने में बर्बाद कर दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का इस पर सख्त दिशा निर्देश है कि सरकारी पैसे पर विज्ञापनों पर पैसा बहाया जाना कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। यह बात जब सर से ऊपर चली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गाइडलाइन जारी की। सरकारी विज्ञापनों की भाषा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। किसी भी विज्ञापन में सत्ताधारी पार्टी का नाम नहीं जाना चाहिए। किसी भी सरकारी विज्ञापन में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा किसी का फोटो नहीं छापा जा सकता है और किसी भी काम या नेता को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इस बार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने चुनावी पोस्टरों में सेना के सियासी इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखी है। क्या सोशल मीडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल है? इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट द्वारा इंटरनेट और सोशल मीडिया पर लिखे कंटेंट को भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल कर लिया है। कैंडिडेट को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ट्विटर, जीमेल का अकाउंट इलेक्शन कमीशन को देना होगा। साथ में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले विज्ञापन के खर्च को भी इलेक्शन कमीशन को जमा करना होगा। अभी हाल में इलेक्शन कमीशन ने आदेश दिया कि सत्ताधारी दल के लोग अपने सोशल मीडिया के पोस्ट से विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर हटा लें। शराब की बिक्री पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन यह नियम जारी करती है कि चुनाव घोषणा के दिन से चुनाव खत्म होने तक जिला प्रशासन का एक्साइज डिपार्टमेंट जिले की हर शराब की दुकान पर निगरानी रखेगा। यह रिकॉर्ड हासिल करेगा कि किसी शराब की दुकान पर शराब की कितनी स्टॉक है और हर दिन में वह कितनी की बिक्री करता है। चुनाव में कैंपेन के दौरान खत्म होने के बाद यानी कि वोटिंग के दिन से 48 घंटे पहले जिले के सारे शराब के दुकान बंद रहेंगे। इनमें से किसी का भी अगर उल्लंघन होता है तो यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होने पर क्या होता है? अफसोस की बात है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई वैधानिक हैसियत नहीं है, इसलिए इससे जुड़े ज़्यादातर मामले में इलेक्शन कमीशन केवल डांट फटकार लगाकर छोड़ देती है, किसी तरह का दंड देने वाला एक्शन नहीं लेती है। लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए रखना ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का असल मकसद होता है। इस मकसद की व्याख्या इतनी बड़ी है कि इसमें बहुत कुछ आ जाता है। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होने पर मीडिया में ठीक ढंग से आलोचना की जाए और खूब छेछालेदर मचाया जाए तो इसका जमकर फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें इंडियन पेनल कोड के द्वारा दंड दिया जा सकता है, जैसे कि नफरत भरा भाषण देना या चुनाव प्रचार करना जिसमें जाति, धर्मों और समुदायों के बीच दरार पैदा कर वोट हासिल किया जा सके, पैसा और शराब बांटना ताकि वोट हासिल किया जा सके, किसी को धमकाना ताकि वह किसी के लिए वोट दे सके, वोटिंग के दिन से 48 घंटे पहले तक चुनाव प्रचार करना, ये सारे ऐसे मामले हैं जो दंड की कैटेगरी में शामिल होते हैं। इन सारी बातों को अपने दिमाग के किसी कोने में रख लीजिए। इस बार तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ तक कह दिया है कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन होने से जुड़े किसी भी मामले पर वीडियो बनाकर अगर उसे भेजेंगे तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हर राज्य में इन मामलों की छानबीन करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी होती है। इस स्क्रीनिंग कमेटी से मामला पास होने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास पहुँचता है और इलेक्शन कमीशन इस पर अपना फैसला सुनाती है। प्रक्रिया थोड़ी ढीली है,
लेकिन अगर मामलों की बाढ़ आ जाए तो जरा सोचिए, इलेक्शन कमीशन मजबूर होगी कि वह मजबूत और सॉलिड प्रक्रिया अपनाए। आप केवल एक नागरिक की भूमिका निभाइए और चुनाव अपने आप एक काबिल सरकार बनाने की तरफ बढ़ने लगेगा।